नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर। कोरोना काल के दौरान रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम लगे इसको ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया गया था, लेकिन रेलवे की तरफ से लागू किए गए इस नियम के बाद लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट कटवाना शुरू कर दिया। इसको लेकर मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने के कारण लोग पैसेंजर ट्रेनों का अलग एक दो स्टेशनों के लिए जो है टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म व स्टेशन परिसर में जा रहे हैं। उनके पास यात्रा टिकट होने के कारण टिकट चेकिंग स्टाफ की कुछ नहीं बोल पाते हैं। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर समेत 13 स्टेशनों पर जो है कोरोना काल में बढ़े दाम 50 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है। इसकी अब तक समीक्षा नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर ECR के CPRO ने का कहना है कि संबंधित DRM को यह अधिकार है कि वो टिकट का दाम कम या फिर अधिक कर सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना काल से ठीक पहले प्लेटफॉर्म टिकट का किराया 10 रुपये था। प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने के कारण यात्री सामान्य पैसेंजर के लिए न्यूनतम किराया के 10 रुपये वाले टिकट या फिर पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के न्यूनतम 30 रुपये वाले यात्रा टिकट खरीद ले रहे हैं। पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों में न्यूनतम किराया 30 रुपया है। पटना जंक्शन समेत 13 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने वालों को 50 रुपये की तुलना में सफ़र का टिकट लेने में 20 से 40 रुपये की बचत हो रही है। साथ ही साथ सफ़र का टिकट लेने पर उनकी वैधता प्लेटफॉर्म टिकट की तुलना में 1 घंटे अधिक होती है। प्लेटफॉर्म टिकट का जो केवल 2 घंटे की वैधता है, जबकि यात्रा टिकट 3 घंटे के लिए है। यात्रा टिकट की वैधता 1 घंटे अधिक होने के साथ साथ टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा नियमतः नहीं पकड़े जाने के कारण लोग यात्रा टिकट खरीद रहे हैं। पटना जंक्शन में तैनात TTE के अनुसार लोगों के पास सफर का टिकट होने पर प्लेटफॉर्म पर स्टेशन में प्रवेश में उन्हें रोका नहीं जा सकता है। पूर्व मध्य रेलवे में केवल दानापुर मंडल के 13 बड़े और छोटे स्टेशनों पर ही प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने को लेकर मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार बहुत जल्द समीक्षा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट महंगा क्यों और कैसे है, इसकी जल्द समीक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा में स्टेशनों पर भीड़ व यात्रियों की संख्या आदि की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ इस जोन में दूसरे जगहों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम होने के मामले में भी जानकारी जुटाई जाएगी कि वहाँ कैसे काम कर रहा है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। DMR के प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े दामों की समीक्षा के आश्वासन के बाद से दाम में कमी की संभावना बढ़ी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट में कमी हो सकती है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इसमें जो आखिरी स्थिति वह यही निकल के आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो महंगा है और उसका किराया जो है वो 50 रुपया है, लेकिन जो लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं वो यात्रा टिकट जो है वो करवा रहे हैं ताकि जो है उन्हें प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो सस्ता मिल सके। यही वो कारण है जिससे कि एक जगह दूसरे जगह जाने का टिकट जो है लोग करवा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में अब एक तरह से रेल अधिकारियों की तरफ से भी ये कही जा रही है कि हमें जो है एक बार फिर से इसे सोचने और समझने की ज़रूरत है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हम प्लेटफॉर्म टिकट का किराया अधिक कर दें तो लोग जो है रेलवे स्टेशनों पर कम आएंगे, लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो एक बार फिर से जो है अधिकारियों को इस ओर सोचने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।